नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। और मैं कमल कौशिक। हरियाणा के दबंग कैबिनेट मंत्री अनिल विज को एक बार फिर से गुस्सा आया है। अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर से वो नजर आए हैं। आज कष्ट निवारण समिति की बैठक में वाकई कष्टों का निवारण करते वो नजर आए। जी हाँ, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की बड़ी कार्रवाई में एक डॉक्टर और दो स्टाफ नर्स समेत एम्बुलेंस के ड्राइवर को सस्पेंड किया गया है। मंत्री जी की इस कार्रवाई से सवाल तो जरूर उठा है कि सभी मंत्री अगर इतने एक्टिव होंगे तो क्या पब्लिक की परेशानी कम हो जाएगी? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की। बैठक में जिले के तमाम लोग आए थे। कई हाई प्रोफाइल मामले मंत्री जी के सामने पेश किए गए। किसी ने इंसाफ की गुहार लगाई तो किसी ने गलत कार्रवाई की शिकायत की, लेकिन पूरी बैठक में मंत्री जी क्रांतिकारी रूप अपनाए हुए थे। हाथों हाथ समस्या पर सवाल हो रहे थे। पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, अधिकारी भी वहीं बैठे थे, मंत्री जी तो थे ही, पीड़ित और दोषी पक्ष के लोग भी ज्यादातर वहीं पर मौजूद थे। पूरे एक्शन में दिख रहे थे अनिल विज, और अनिल विज ने यही एक्शन शुरू करते ही स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जुड़े हुए एक बच्चे की मौत के मामले में चार लोगों को सस्पेंड कर दिया। आपने कुछ कहना है इसमें? ठीक है सारा जी, ठीक है सब कुछ, तो इन चारों को एयरपोर्ट अंडर सस्पेंशन। इसके बाद अनिल विज ने एक भ्रष्टाचार के मामले में पब्लिक हेल्थ के एसडीओ को भी सस्पेंड कर दिया और गिरफ्तारी के आदेश तक सुना दिए। सर, अरेस्ट करने का तो सर इसमें तो नहीं, तो सर नहीं। सर प्लीज, लोकतांत्रिक तरीके से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता आपकी बात। मैं भारतीय संविधान के दायरे में रहकर बात करना चाहता हूँ। संविधान की बात सर, मैं भारतीय संविधान का मैं नागरिक हूँ। मेरे सीनियर ऑफिसर एससी साहब बैठे हैं, जब ये भी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, ये लोग इंक्वायरी के लिए कह रहे हैं। मेरा नाम अनिल विज है, आप किसी से इंक्वायरी करवा लीजिएगा। मेरा नाम अनिल है सर, आप किसी से इंक्वायरी करवा लो सर, ये आप इंक्वायरी करवा दो सर। इंक्वायरी में भाई मैं पर्चा दर्ज करवा रहा हूँ, ये झूठे होंगे, इनको 182 में अंदर डाल देना, संविधान में प्रावधान है, नहीं तो ये सब करेंगे। एसडीओ मंत्री जी से जांच के लिए बोलता रहा, लेकिन अनिल विज कार्रवाई करते गए। कष्ट निवारण समिति की बैठक में अनिल विज ने कई लोगों पर कार्रवाई की है, कई लोगों की सुनवाई की गई, लेकिन आज के अनिल विज का अंदाज वाकई में क्रांतिकारी था। हरियाणा में अगर सभी मंत्री इसी अंदाज में लोगों की समस्याओं का समाधान करें तो हरियाणा में थानों में रखी फाइलों से बहुत से केस कम हो जाएंगे। खबर अभी तक के लिए कैथल से राकेश कथूरिया की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां हरियाणा में अफसरशाही का आरोप लगता है सरकार पर कि अफसरशाही काफी दबदबा अपना रखती है, तो वहीं इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं। तो एक उदाहरण पेश करते हैं अनिल विज दूसरे मंत्रियों के लिए भी कि वो ही इस तरह का काम करे, और जो अधिकारी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, हालांकि ज्यादातर नहीं होते हैं, और उन पर लगाम लग सके इस तरह के कारनामे वो भी करें। तो तेवर काफी तीखे हैं और अंदाज वही पुराना है। तो गब्बर अपने आप को बताते हैं हरियाणा की राजनीति का। दबंग मंत्री का सस्पेंड किया जाने का जो एक्शन लिया जा रहा है, जो फैसला लिया गया, चार मामलों का हमने जिक्र किया है, क्या यही अंतिम विकल्प है? बिना जांच के जिस तरह की बात उनकी ओर से कही गई, क्या बाकी मंत्रियों को भी इसी तरह का रवैया अपनाने की जरूरत है? चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ केवल ढींगरा साहब, बहुत स्वागत है आपका। इनेलो से प्रवक्ता रविंद्र ढोल साहब है हमारे साथ। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ राजीव रंजन रॉय हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। चौहान साहब, कैसा लगा मंत्री जी का जो एक्शन किया के लिया गया, उनकी ओर से जो फैसला लिया गया, सस्पेंड किए जाने के आदेश दिए गए? देखिए, जब जनता की कोई शिकायत होती है और शिकायत निवारण समिति के चेयरमैन के नाते और समिति के नाते वो लोग उसकी सुनवाई करते हैं, तो मौके पर जो परिस्थितियां होती हैं, तथ्य होते हैं, उसके आधार पर निर्णय लेने का उस कमेटी को या उस कमेटी के चेयरमैन को अख्तियार होता है, अधिकार होता है। उस अधिकार का उपयोग करते हुए मंत्री महोदय ने कुछ कर्मचारियों या अधिकारियों के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। जहां चूक होती है वहां तमाम तरह के जो विकल्प हैं कार्रवाई के, जिसमें निलंबन भी एक है, उनका उपयोग किया ही जाना चाहिए, और यह स्वागत योग्य है।
जो चूक करने वाले कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जब आप दंडात्मक कार्रवाई की तरफ बढ़ते हैं तो एक ठीक संदेश उन लोगों को भी जाता है जो हैबिचुअल हो गए हैं गलतियां करने के, उनको ये ध्यान में आता है कि देखिए हम चूक करेंगे तो कड़ी कार्रवाई हमारे खिलाफ हो सकती है। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, इस बातचीत को आगे आप बढ़ाएं इससे पहले, कि निलंबन अपने आप में सरकारी पार्लेंस में सरकारी दृष्टि से निलंबन कोई दंड नहीं है। कर्मचारी ने अधिकारी ने चूक की, प्रथम दृष्टया उसकी जांच कमेटी के सदस्यों ने की और उसमें से प्राइमरीली प्रथम दृष्टया उसमें चूक दिखी तो उसके आधार पर आप जांच करवा लीजिए। सुनिए उनकी बात मैं नहीं सुनी, मैं देखिए सुनिए मैं वही स्पष्ट करना चाह रहा था। एक पहली जो प्राथमिक जांच जब होती है तथ्यों की या जो तथ्य दस्तावेजों के रूप में शिकायत के रूप में सामने होते हैं, अगर चेयरमैन को लगता है कि पर्याप्त उसमें दस्तावेज हैं तथ्य हैं तो वो निलंबन कर सकते हैं। और निलंबन मैं फिर कह रहा हूं दंड नहीं है, निलंबन के बाद जांच फॉलो करती है, जांच कार्रवाई जांच के बाद रेगुलर इंक्वायरी के बाद अगली विभागीय कार्रवाई उसके खिलाफ होती है, वो एक प्रक्रिया है। तो निलंबन एक विकल्प है, उसका यदा कदा इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, भविष्य में भी होता रहना चाहिए, इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और जो ओपनिंग में आपने कही कि अन्य मंत्रियों को भी क्या ऐसा ही होना चाहिए, सबके सब मंत्री मुख्यमंत्री जी समेत जहां आवश्यकता होती है इस टूल का, ये टूल ही कहूंगा मैं इसको, एक शस्त्र है, एक उपकरण है, एक विधि है, उसका उपयोग करते हैं। और शिकायत निवारण समिति की जो वो बैठके हैं, लेकिन उनका औसत जो है, आपने कहा सभी मंत्री ऐसा करते हैं, कर्णदेव कमोड साहब का एक वाक्य था, उन्होंने जनता के साथ ऐसा कहा और वहां पर जो एक बुजुर्ग थे उन्होंने ये तक कहा था कि आप मेरी शिकायत नहीं सुन रहे हैं और जो आपके अधिकारी हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं, मैं आत्मदाह कर लूंगा न्याय नहीं मिला तो, और उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया था। मैं फिर कहता हूँ बहुत बार शिकायतकर्ता अपनी बात कहता है, सुन ली जाती है, फिर से दोहराता है, कभी कभी व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, वो केस टू केस मैटर डिफर करता है, परंतु शिकायत निवारण समितियों का काम जिनकी अध्यक्षता मंत्री करते हैं लोगों की शिकायतें सुनना है और जो एजेंडा में शिकायतें होती हैं, मैं एक 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 छोटा सा वाक्य कि जो शिकायत निवारण समितियों के सामने उनके मासिक एजेंडे में शिकायतें आती हैं वे केवल उनको नहीं सुनती, बिना एजेंडे के भी कोई जनता में से आ जाता है मौके पर तो मंत्री और जो दूसरे अधिकारी वहां पर बैठे होते हैं उनकी शिकायतें सुनते हैं, उनका निवारण का प्रयास करते हैं। केवल ढिंगरा साहब, विपक्षी पार्टी के तौर पर क्या मंत्री जी ने जो एक्शन लिया जितने एक्टिव मोड पर वो नजर आए, आप तारीफ करेंगे उनके? नहीं, देखिए अगर कोई किसी की दुख दुविधा सुननी है तो वो अगर उसमें काम करना है तो उसके कई तरीके और भी हैं। आप किसी सस्पेंड करना, उसको उसके नौकरी से बर्खास्त कर देना, यही तरीका तो नहीं है, विकल्प बहुत सारे होते हैं, समझाने के, डराने के, काम करवाने के बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन आप ये देखिए कुछ मंत्री तो इस तरह के हैं जो कोई लोग पूछने आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है या ये दिक्कत है तो उनको बाहर निकाल देते हैं सीधा कि तुमने पूछा कैसे। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इस तरह के मंत्री हैं कि जो आदमी दिखा वही सस्पेंड। अगर आप कब कब मैं बता रहा हूँ ना, यही बता दीजिए, यही बता रहा हूँ ना, आप ये देखिए पिछले दिनों जो जब एक फतेहाबाद में थी अनिल विज की वो, तो एसपी साहब को बोल दिया गेट आउट। आप ये देखिए ना किस तरीके के इनके लहजा जो है वो किस तरीके का मंत्री जी का है। आज गलत किया मंत्री जी ने? नहीं, गलत नहीं कहा, मैं कह रहा मैं हाँ। मैंने ये कहा कि अगर कोई किसी को कष्ट निवारण के लिए अगर सभा रखी है, किसी का कोई कष्ट निवारण करना चाहते हैं तो एक आदमी को दुख पहुंचा के दूसरे आदमी को दुख देकर कौन सा कष्ट निवारण हो रहा है? दूसरी बात, सही किया कि नहीं किया? देखिए मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, सही किया, एक तरफ तो कष्ट दे रहे हैं दूसरी तरफ कष्ट ले रहे हैं। अभी बात पूरे होने देने के बीच में इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? चौहान साहब तो सही सुन तो ले। उसके बाद आप ये देखिए इस सरकार ने 3.5-4 साल के अंदर क्या क्या काम किए। इन्होंने जितने कर्मचारी थे 60 साल की एज थी उनकी रिटायरमेंट की, उनको 58 कर दिया, उनको कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। सारे कर्मचारी हरियाणा के अंदर इस समय हर डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारियों की कमी है।
और उसके बाद क्या है काम लेने का तरीका देखिए आप एक मिनट में आए सस्पेंड कर दो सस्पेंड करना जांच हुई इस काम का अगर अच्छा उदाहरण है तो ये बताएं मेरे को मेरा सवाल आपसे ये है आपने कहा कि एक पक्ष को दुख देकर क्या दूसरे को भी महिमा मंडित किया जाए जो कि आरोपी है उस पर एक्शन ना लिया जाए मैंने बिल्कुल कहा एक्शन लेना चाहिए कि हर आदमी को सस्पेंड कर देना ही तो एक्शन नहीं है कितने ऐसे सस्पेंड कर दिए हर आदमी कैसे सस्पेंड हुआ आप ये बता दो जिस हर आदमी कहां सस्पेंड हुआ ये बता दो अनिल विज जी जिस कस्टडी निवारण सभा में गए अब दो का उदाहरण तो मैं दे रहा हूं फतेहाबाद का और सस्पेंशन कहां आप देखिए सस्पेंशन कहां दिया हर आदमी को सस्पेंड कैसे किया चलिए ढूंढ साहब की बात है ढूंढ साहब आप ये बताइए मैं आपको हर आदमी कहां मेरा सवाल की बात करोगे ढूंढ साहब आपके पास आना चाहेंगे ढूंढ साहब मेरा सवाल ये है कि आज मंत्री जी ने सही किया कि नहीं किया जैसे कि ढिंगरा साहब से पूछा और एक और सवाल कि क्या आपको नहीं लगता कि जो एसडीओ साहब सस्पेंड किए गए हैं उनकी बात भी पूरी सुन लेनी चाहिए थी मंत्री जी को देखिए एक बात बता देता हूँ ये सस्पेंशन मंत्री है मंत्री जी के पास मंत्रालय गलत है इन्हें एक सस्पेंशन मंत्रालय दे देना चाहिए ये जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ इस प्रकार का कार्य करते हैं आपको ध्यान में होगा पंचकुला के अंदर शायद एक मामला हुआ था बाबा रामदेव का प्रोग्राम था उसमें लाइट जाने की वजह से जो है एक एसडीओ को या शायद एक्सीएन को सस्पेंड किया था मंत्री जी ने एक प्राइवेट प्रोग्राम में इस प्रकार का कार्य कर दिया था तो उससे ही स्पष्ट हो जाती है कि इस प्रकार की मानसिकता है खैर जहाँ तक बात कष्ट निवारण समिति की है मैं इस बात से सहमत हूँ वीरेंद्र जी से कि वहाँ पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं चौटाला साहब भी अक्सर किया करते थे कष्ट निवारण मीटिंग में जाते थे सरकार आपके द्वार जाते थे जनता जब बात सामने आती है जनता की बात सुन करके कभी कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि क्या उस निर्णय लेने से पहले जो दोषी पक्ष है जिसके खिलाफ विरुद्ध दोष जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत की गई है मेरे अनुसार उसे एक बार पूर्णतया से सुनवाई का मौका अवश्य देना चाहिए सस्पेंड करें बिल्कुल उनका अधिकार क्षेत्र है मैं बिल्कुल कतई मना नहीं करता और यदि कोई गलत काम किया है तो सस्पेंशन भी आवश्यक है और इन्हें करना चाहिए लेकिन सस्पेंशन करके और अपने महकमे के काम छोड़ करके सस्पेंशन करके सस्पेंशन मंत्रालय इन्होंने संभाल लिया मेरे हिसाब से इनको उसका भी मंत्री बना देना चाहिए ज्योति जी एक तो ये कहना कांग्रेस के प्रवक्ता का कि हर आदमी सस्पेंड कर दिया गया इनके पास कोई तथ्य नहीं है हर आदमी हर बैठक में सस्पेंड हुआ हो ऐसी कोई बात नहीं सुन लीजिए मैं वही कह रहा हूँ अनिल विज जी ने भी किसी को अगर सस्पेंड किया तो उनकी संख्या एक हाथ की उंगली पर गिनने जितनी होगी उसको कांग्रेस के हमारे मित्र हर आदमी बता रहे हैं दूसरी बात ये कि आज के किस्से में सुन तो लीजिए आज के किस्से में कितने हुए मैं बता रहा हूँ ना सुनिए आज के किस्से में चार या पांच कर्मचारी सस्पेंड हुए तो यही मैं भी कह रहा हूं सुनिए मेरे मित्र सुनिए ना वो एक ही केस है उसमें ढूल साहब की बात से मैं सहमत हूं कि पक्ष दोनों का सुना जाना चाहिए जो ये चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की जहां तक बात है क्या सुना क्या अरे सुनिए तो दोनों का पक्ष सुना उत्तर दे रहा हूं उत्तर दे रहा हूं मैं आपको यही पूछ रहा हूं मैं जवाब वही दे रहा हूं उसके बाद आप भी चिकित्सा विभाग के जो चार या पांच कर्मचारी निलंबित हुए हैं आज की जिस बैठक की हम चर्चा कर रहे हैं उनके खिलाफ जो शिकायत की एक साधारण नागरिक ने उसका बच्चा मारा गया लापरवाही के कारण ठीक है उसकी तीन लोगों ने तीन कर्मचारियों एक एसडीएम और दो शिकायत निवारण समिति के सदस्य तीन लोगों की कमेटी ने प्राथमिक प्रारंभिक जांच की उसमें उनका पक्ष निश्चित रूप से सुना गया होगा उसके आधार पर निलंबन हुआ है तो नियमों का पालन हो रहा है बहुत बार रेगुलर इंक्वायरी से पहले सस्पेंड किया जाना वो सरकार के नियम कायदे का हिस्सा है वो उससे अलग नहीं है मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो दुष्ट है हेल्थ के डायरेक्टर का कोई रोल नहीं रहता गया उसमें एक मिनट मेरे मित्र हेल्थ के डायरेक्टर का रोल सबसे पहले रहता आप बोल लीजिए अगर वो हेल्थ का डायरेक्टर है उससे पहले उस संज्ञान लेना चाहिए सुनिए तो आप सीधे जो छोटे कर्मचारी हैं मुझे एक बार सस्पेंड कर दो मुझे क्या तरीका छोटे कर्मचारी ने जिन्होंने सुनिए आप जरा एक बार जिन लोगों ने लापरवाही बरती उनको निलंबित कर दिया उनको उनको जो कष्ट हो रहा है उसमें ढींगड़ा जी को कष्ट हो रहा है दुष्टों को निलंबित करेंगे कार्रवाई करेंगे और उस पर कांग्रेस कष्ट में ये कहां की नीति राजीव रंजन जी आप दुष्टों पर कष्ट आए तो आपको कष्ट क्यों होता है मंत्री जी ने सस्पेंड किया है क्या वो सही आप मानते हैं ये जो तरीका है और जो एक पक्ष नहीं सुना गया है एक तरह से अगर देखे तो नहीं सुना गया है मैं फिर दोहराऊंगा साहब का पक्ष सुना गया है इसमें नहीं सुना गया सर नहीं सुना गया आपको दोबारा कभी नहीं सुना गया तस्वीरें और जो बातचीत अगर आप कहते हैं तो दोबारा भी आपको सुना सकते हैं उन्होंने बार बार कहा है कि आप एक बार सुन लीजिए जांच करवा लीजिए सर एक वाक्य अगर मुझे बोलने दें जब भी जब मेरा सवाल राजीव रंजन जी से राजीव जी की टिप्पणी से एक वाक्य केवल एक वाक्य इस मीटिंग में जो एजेंडा पर निर्धारित आइटम्स आती हैं
उनमें सबकी पहले प्रारंभिक जांच हो चुकी होती है। शिकायत निवारण समिति की प्रक्रिया जो लोग जानते हैं, तो मैं नहीं मानता कि उसका पक्ष नहीं सुना गया होगा। हाँ, उस समय वो अपनी बात दोबारा कहना चाहता होगा, शायद सुना नहीं गया उस समय, लेकिन वहां भी सारी दोबारा सुनी जाए ये कतई आवश्यक नहीं है। राजीव रंजन जी, देखिए पिछले कई सालों में ऐसा देखा गया है कि हमारा जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है वो लगातार एक फॉर्मेलिटी बनती जा रही है, उसमें से उसके प्रति लोगों का विश्वास कम होते जा रहा है। अगर उसको हम बैकग्राउंड में रख करके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अनिल विज जी का डिसीजन बिल्कुल सही है। लोगों में जो देखिए राजनीतिक पॉलिटिकल क्लास के प्रति जो उनका फेथ में इतनी कमी आती जा रही है, उनको लगता है क्या कि कुछ करते नहीं है, कोई शिकायत दो तो सुनते नहीं है, फाइनली ब्यूरोक्रेट्स की ही चलती है। तो कहीं ना कहीं एक अनिल विज का जो शुरू से उनका एक स्टैंड रहा है उसके अनुसार ये काम करते हैं। विधानसभा में जब ये अपोजिशन में थे ये ठोक करके बोलते थे और बड़ी अस्पष्ट तरीके से बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, कार्रवाई भी उस तरह से करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका ये आचरण और एक जो पॉलिटिकल व्यवहार का उनका एक जो तरीका है उनको इन्होंने अडॉप्ट किया है और इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा अब करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि चूंकि पॉलिटिकल गवर्नेंस में इतने सालों से फॉर्मेलिटी बन गई है, लोगों का अब ये इम्प्रेशन जो गया है पॉलिटिशियन के प्रति, ये काम नहीं करते, ये सुनते नहीं हैं, इससे हमारे ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होते हैं। और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उन्होंने सही किया है और इनफैक्ट ऐसी चीज़ों में विलम्ब हुआ है। ये सस्पेंशन पहले हो जाना चाहिए था, काफ़ी वो भी प्रयास, काफ़ी इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जिस इशू को लेकर के सस्पेंशन आज हुआ है उस एड्रेसल कमिटी की मीटिंग में, ये सस्पेंशन पहले हो जाना चाहिए था। और सस्पेंशन, चौहान जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एक पनिशमेंट नहीं है, एक प्रोसेस है कि कहीं आपको प्राइमो फेसी भी ऐसा लगता है कि अमुक ऑफिसर ने गलती की है, आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं और बड़े ऑफिसर को आप कह भी सकते हैं कि आप लीव पर प्रोसीड कीजिए, हम इंक्वायरी करेंगे, फिर हम आपको रिकॉल करेंगे और इंक्वायरी में कुछ पाया जाता है तो लीव को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं सस्पेंशन में। तो ये मुझे लगता है क्या कि इतना तो चलता है, ये अच्छी बात है और इसका एक मैसेज जाता है। पिछला जो जवाब आपने दिया उसमें कहा कि कई और रास्ते हो सकते हैं, कई विकल्प हो सकते हैं, आपको क्या लगता है इस तरह के मामलों में फिर क्या विकल्प है, सस्पेंड ना किया जाए? देखिए बात यह है कि जब तक आप पूरी एसडीओ कह रहे हैं कि आप इसके बारे में एक बार अपने कमेटी, अपने जो लोग हैं सरकार के अंदर बैठे लोग जो हैं वो एक बार उसके ऊपर देख ले कि मेरी गलती है या नहीं तो मुझे सस्पेंड करें, उस वो सस्पेंड करना तो उनका अधिकार है। लेकिन अगर उनकी बात ना सुना जाना ये जो है एक बड़ा वो है, ठीक है उनकी गलती अगर होगी और उनको सस्पेंड किया गया तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर आदमी एक अपनी बैठक का एजेंडा क्या रहेगा, किन शिकायतों को सुना जाएगा, कितनी शिकायतों को सुना जाएगा, जो कि एक मिनट किसी निर्दोष को आप ये बताइए, गुड़गांव वाले मामले का उदाहरण देता हूँ, उस कंडक्टर का क्या कसूर था जिस कंडक्टर की पुलिस ने इतनी पिटाई की थी और वो पिटाई के बाद उसके बाद ये पता लगा कि उस कंडक्टर का कोई कसूर नहीं था, तो आप पहले उनको इतनी पिटाई कर दो, उसके बाद आपके पास कोई विकल्प ना बचे। आप ये बताएं, अभी तो पत्रकार महोदय भी ये बात कह रहे हैं कि ये बात अच्छी है, मैं भी इस बात पे अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मजेदार मैं इस बात पे हूँ। लेकिन अगर कोई निर्दोष के ऊपर कार्रवाई करे सरकार तो एक तो निर्दोष फंसा और एक पब्लिक का दुख जो है वो नहीं बटा। दो पक्ष आपने दोनों किया गया नहीं लिया, सुनिए दो पक्ष है जिनको सस्पेंड किया गया है, दूसरी ओर मंत्री जी खड़े हैं, कांग्रेस कहां है इस पूरे? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसके दुष्टों के साथ है, मैं इसके अरे दुष्ट कहां से हुआ, जब तक कोई आदमी आपके सामने दोषी प्रूव नहीं होता आप उसको, अगर कंडक्टर दोषी प्रूव हुआ तो आपने उसको उसको इतनी बुरी तरह से पीटा, उसके बाद वो दोषी प्रूव नहीं हुआ, इट मींस कि वो आपकी नजर में वो कंडक्टर दोषी था इसका मतलब। लेकिन जबकि पुलिस ने उसको छोड़ दिया गुड़गांव वाले मामले में और आप उसको दोषी अगर आज भी मान रहे हैं बीजेपी के सामने आया, तो ये बहुत ही बड़ा जीरा साहब, जब एचएसएससी का मामला भी सामने आया तब आप 10 दिन की जांच बिठाते हैं, 10 दिन का जो है समय देते हैं कि आप जवाब दीजिए और यहाँ पर तुरंत सस्पेंड कर देते हैं, कि ये डिफरेंस क्यों है, वहां पर आप तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं कर? मैं बताता हूँ, यहाँ पर भी इस मामले में भी चाहे वो ये जो एसडीओ की बात हो चाहे हेल्थ वालों की बात हो, प्राथमिक दृष्टि से जो तथ्य और दस्तावेज सामने आते हैं कमेटी के सामने, ग्रीवेंस कमेटी की प्रोसीडिंग्स को समझने वाले लोग जानते हैं कि उनकी पड़ताल के बाद ही वो एजेंडा में शामिल होती है आइटम्स और उस पर कार्रवाई होती है।
एसएससी की जहां तक बात है, यानी आप कह रहे हैं पहले, मैं वहीं आ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि पहले जांच हो जाती है, उसके बाद मंत्री जी आते हैं, उसके बाद वो फैसला कर देते हैं। मैं दोहरा दूं जी, जब भी कोई मामला इस कमेटी के सामने आता है, उसके सारे तथ्य संबंधित विभाग से मंगाए जाते हैं और उसके आधार पर फिर कमेटी की मीटिंग में चीजें आती हैं, सबको अपनी बात कहने का अवसर भी होता है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। एचएसएससी वाली जो आप बात कह रहे हैं, किसी एक परीक्षक ने एक पेपर सेट किया, एक बार उसको लिखित में अपना उत्तर देने का अवसर दे दिया, उसके बाद उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी ही होगी। आप रुकिए ना, व्यक्ति के मामले में पैसे लेता है तो उसका चेयरमैन क्या बगैर उसकी मर्जी के बात है, मैं तो की बात कर रहा हूं, कैसी बात है, चेयरमैन का उसके बगैर लग सकता है, हमने दोषियों को अंदर ठोका है, आप चेयरमैन के पीछे उसके बीच में जो मसला है, जो चेयरमैन के बगैर नहीं आएंगे। ढींगड़ा जी, ढींगड़ा जी, ढींगड़ा जी, आज आप अधिकारियों के साथ कर्मचारियों के साथ खड़े हैं जो जनता को परेशान कर रहे हैं। बोलिएगा, जवाब लेंगे फिलहाल, दो दिन पहले खेदड़ के अंदर तीन मजदूरों की हत्या ही कहूंगा मैं, स्पष्ट रूप से हुई है। उन लोगों को जो आरोपी अधिकारी थे उनको इन्होंने ट्रांसफर किया, सस्पेंड नहीं किया, पहली बात यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, जहां तक हम बात सस्पेंशन की करते हैं ना, कि इनको प्रमा फैसी हमने कह दिया कि प्रथम दृष्टया जांच हो चुकी है। एक हमारी वकालत के अंदर एक प्रिंसिपल होता है ओडी अल्टरम पल्टम, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेज में किसी भी अदालत में यदि जाता है, किसी भी व्यक्ति के पास जाता है, उसे पहले पहल सुनवाई का अधिकार है। हाँ। यदि उसके विरुद्ध नीचे जांच भी हो रखी थी तब भी मंत्री को सस्पेंड करने से पहले उन्हें सुनना चाहिए था, ये उनकी न्यायिक ड्यूटी है। यदि न्यायिक ड्यूटी इनकी खेदड़ में जाकर के समाप्त होगी, क्या ट्रांसफर को आप ये कहेंगे ट्रांसफर से आपने उस मामले को खत्म कर दिया? जांच आपने बिठाई है, जांच यहाँ पे कराई है, लेकिन दिक्कत क्या है सुनने में? मैंने तो पहले कहा कि सबको सुना जाना चाहिए और सबको सुना जाता है, लेकिन धूल साहब ने जैसे न्यायिक सिद्धांत एक बखान किया, वो सिद्धांत है, उसको नकारा नहीं जा सकता, परंतु धूल साहब भी ये जानते हैं कि सस्पेंशन इन इटसेल्फ इज नॉट अ पनिशमेंट, बिल्कुल नहीं, वो एक प्रक्रिया है। प्रकाश ये राष्ट्रपति ने आपने क्या किया, अब आप बेतुकी बातें कर रहे हैं, आप आई भाई क्यों बोल रहे हैं, बात हो रही है, बात दोषी थे, बिना साथ में लोग दोषी थे, आप ढिंडे ढिंडे आपने कहा मैं कर रहा हूं, आप ढिंडे जो वो कर्मचारी कर रहे हैं, बात हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप यही सरकार है, आप नहीं कर रही कार्रवाई, यही सरकार है जो दूसरे पास चली जाती है, आप दुष्टों के बचाव में खड़े हो, जी के आचरण है ये कई प्रकार के, आज आप दुष्टों के बचाव था कि उस प्रकाश आज आप दुष्टों के बचाव में खड़े हो, दुर्भाग्य से आपने ये अमिर विज वही है। आपको समय दिया, आपको समय देंगे जवाब देने के लिए, अभी सुनिए, बचाओ में आगे खड़े हो, जनता के खिलाफ खड़े हो, ये अनिल विज जी के आचरण में बता रहा हूं मैं, वो आचरण आज उन्होंने किया है, हम जनता के साथ हैं, आचरण में बता रहा हूं, हम जनता के साथ हैं, जिस समय प्रकाश का बच्चा मारा गया और आप कह रहे हैं कि अभी और जांच होनी चाहिए, सस्पेंशन के खिलाफ आप फंसते हुए भागते क्यों हैं? किसी का बच्चा मारा गया है तो भागते क्यों हैं? भाग नहीं, आप सुन लीजिए ना, फिर आप मेरी बात का जवाब, आप दोनों को जो जनता है सुन नहीं पा रही, डिंगरा साहब, जिन्होंने डिंगरा साहब सुनिए, डिंगरा साहब सुनिए, सुनिए एक बार, मेरी बात जनता जो जनता है आपको सुन नहीं पा रही है, डिंगरा साहब जो जनता देख रहे हो सुनिए, एक एक करके बोले, एक एक करके बोलिए, और ये एक मिनट रुकिए, चौहान साहब कह रहे हैं उसके बाद आप बोलिए। एक नागरिक का गर्भस्थ शिशु कर्मचारियों की लापरवाही से मारा गया, उन दोषी कर्मचारियों को प्रारंभिक जांच के बाद केवल अभी निलंबित किया गया, अभी रेगुलर इंक्वायरी होगी और उनका दोष कायदे से प्रूव होगा तो उनको कानून सम्मत सजा मिलेगी, आप उनके पक्ष में खड़े हैं, ठीक है, ठीक है साहब, परेशानी क्या है? बहुत साफ शब्दों में ये बताइए चौहान साहब, अभी सुनेंगे सर, परेशानी क्या है? मैं ये कहना चाह रहा था, जो एसडीओ आपके इसमें दिखाया गया कि जो एसडीओ खुद को हार कर रहा है कि मुझे सुना जाए, अच्छा। मैंने नर्स की बात की नहीं, अच्छा। मैंने उस एसडीओ की बात की नहीं जिसकी आपने वाइट दिखाई, मैंने ये कहा कि अगर किसी को सुन के कार्रवाई करें तो ये ज्यादा बेहतर है, और अगर कार्रवाई की है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एसडीओ के खिलाफ
अगर उसकी बात सुनी नहीं जा रही तो उसके खिलाफ हूं। जहां तक अनिल विज जी के आचरण की बात है उसका भी ये जवाब दे। इस यहां तो आचरण दिख रहा है फौरी तौर पे सस्पेंड। प्रकाश चंद कमेटी की रिपोर्ट जब जाट रक्षण में आती है तो उसके बाद ये कहते हैं कि उस कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दो, क्योंकि वहां पे कर्मचारियों के ये हक में खड़े हैं। कांग्रेस आप ये देखिए कि इनके आचरण भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल देखिए सवाल तो है कि अपनी अपनी नहीं सर, देखिए सवाल तो है कि अपनी सुविधा के हिसाब से पैसे नहीं ले जाते। बिल्कुल यही बात कहना चाह रहा हूँ, सुविधा के हिसाब से जान जाते हैं। देखिए एक एंगल है, इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको खारिज नहीं कर पाएंगे। और ये जलंधर और बठिंडा जा रहे घूम घूम के, इनको प्रकाश सिंह याद आ रहे हैं। राजीव जी की बात जी है, ग्रीवेंसेस कमेटी के सामने कोई मामले आए, उनकी प्रथम दृष्टया उनकी पड़ताल करने के बाद ढिंगरा साहब ने जो एंगल दिया है चर्चा को, उसको भी खारिज नहीं कर पाएंगे। क्या अपनी सुविधा के हिसाब से पिक करते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। फिर कैसे कि सस्पेंड किया जाना है, अभी जो खेदर का जिक्र किया गया, ट्रांसफर किया जाना है या फिर कुछ भी नहीं किया जाना, कुछ एक मामलों को पिक किया जाता है जो आपकी सुविधा के हिसाब से आपको सूट करते हैं, मंत्री को सूट करते हैं। मैं उत्तर देता हूं, सरकार की अलग अलग अथॉरिटीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके मामले संबंधित अथॉरिटीज के सामने जैसे ही आते हैं संबंधित अधिकारी नियम कायदे के तहत कार्रवाई करते हैं। ग्रीवेंसेस कमेटी में ये मामला आया, मंत्री महोदय को सही लगा, उन्होंने कार्रवाई कर दी। कांग्रेस के मित्रों को परेशानी हो रही है क्योंकि ये दुष्टों के साथ नहीं, गर्भस्थ गर्भस्थ बच्चे की जान जाने की जो कहें कि दुख हमें भी है, सबको होना चाहिए, आपको भी है, सरकार को भी है, लेकिन खेदर में जिन तीन मजदूरों की जान गई है उसको लेकर एक्शन लिया जाना क्या तुलनात्मक रूप से उतना नहीं है जितना की अपेक्षित था? अब सुनिए, मान लीजिए मुझे उस मामले की बहुत डिटेल्स नहीं मालूम, अगर केवल अभी ट्रांसफर हुआ, सुन लीजिए भाई, अरे सुन लो जी को डिटेल, अरे सुन लो ना, आपको तो कतई कुछ मालूम नहीं है, मैं तो ईमानदारी पूरी कर रहा हूं। आप सुनिए, वहां पर अगर ट्रांसफर ही हुआ है तो तय मानिए ढींगड़ा साहब और ढूल साहब कि उस मामले की बाकायदा जांच होगी और जो भी दोषी होगा रिस्पॉन्सिबिल। वो सड़क में बैठे रहे, कितने गंभीर है ये सवाल तो रहेगा। राजीव रंजन जी जो हम काम कर रहे हैं उसको स्वीकार कर लीजिए, जहां कार्रवाई हो रही है उसको तो स्वीकार कर लीजिए, उसको मानेंगे नहीं। ये देखिए इसमें ऐसा है कि ये जो कन्वीनियंस के हिसाब से पॉलिटिकल लीडरशिप में ये एक्शन लेते हैं और सारे पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होती है वो इस प्रकार से काम करती है। जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा है। ये सस्पेंशन एक छोटी सी चीज है। अगर आप एक औचक निरीक्षण पे अगर आप निकलते हैं, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर साहब निकलते हैं और 10-12 ऑफिसर्स अगर ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है तो ऑन द स्पॉट उसको सस्पेंड कर देंगे। वो उस पर इंक्वायरी फिर बाद में होती है, आप सीट पे नहीं थे, हमने आपको सस्पेंड कर दिया, आपको सीट में होना चाहिए था। जो लार्जर इशू जो प्रॉब्लम हेल्थ की बात हम लोगों ने कई दफा डिस्कस किया है, हमने 40s को लेकर के डिस्कस किया है, मेदांता को लेकर के डिस्कस किया है, बड़ी बड़ी ऐसी चीजों पे यहां हमने डिबेट में पार्टिसिपेट किया है। उसके हिसाब से सरकार का जो रिस्पांस रहा है वो इनकरेजिंग नहीं रहा। देखिए विषय अगर गंभीर होगा तो अपेक्षाएं भी ज्यादा होंगी कि ना, सरकार भी गंभीर होगी, सरकार भी सजग होगी। ये जो कभी वंस इन ए ब्लू मून आप सस्पेंड करके आप अच्छी शुरुआत में मानता हूं। जी हाँ, सही से काम करो नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ये संज्ञा दी जाती है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को। और ये भी कहा जाता है कि अधिकारी खौफ खाते हैं और एक बार फिर से उदाहरण कैथल में देखने को भी मिला। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। ये कई बार विपक्ष कहता है कि आप बार बार जो है तबादले कर देते हैं, लेकिन जिस तरह से एक्शन उनकी ओर से लिया गया, क्या उससे सीखने की जरूरत है या फिर फौरी तौर पर जिस तरह से राहत दिए जाने की कोशिशें की गई हैं वो बहुत जल्दबाजी में है। इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं एक खास पैनल के साथ। चौहान साहब, फतेहाबाद का जिक्र किया गया था ढींगरा साहब की ओर से कि जिस तरह से SP संगीता कालिया के साथ व्यवहार किया गया मंत्री जी की ओर से, क्या लगता है कि वो आनंद फानंद में या फौरी राहत में या फिर को खुद को ये कहने के चक्कर में कि मैं अनिल विज हूँ, मैं गब्बर हूँ, बहुत बड़े फैसले लेते हैं कई बार? नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय की उस मामले की सारी परिस्थितियों को देखे बिना, उनका अध्ययन किए बिना इस निष्कर्ष पे निकल पहुंचना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। मंत्री उस कमेटी का अध्यक्ष होता है और मंत्री को ये लगे कि कोई अधिकारी, चाहे वो SP भी क्यों ना हो, उपाध्यक्ष होता है डिप्टी कमिश्नर, वो डिप्टी कमिश्नर भी क्यों ना हो, तो क्योंकि वो पॉलिटिकली सीनियर मोस्ट व्यक्ति वहां पर है और उस कमेटी का चेयरमैन है, तो वो कोई निर्देश दें और अधिकारी सामने से ये कहें मैं नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा या नहीं मानूंगा, तो फिर कहीं ना कहीं ये बात तो आएगी ना कि भाई सुप्रीम कौन है। वहां पर सुप्रीमेसी जो उनकी है, मंत्री महोदय की या चेयरमैन की है, आपको रोक रहा हूं। ढींगरा साहब ने जो कहा था आचरण को लेकर, उनका कहना एक SP को गेट आउट, वो भी महिला अधिकारी, पहले दूसरी बात ये भी सामने आता है
कि क्या कोई अधिकारी अपनी बातें नहीं रख सकता, क्या उसमें ईगो हर्ट हो जाती है मंत्री जी की? नहीं, नहीं, ये भी सवाल है। मैं उत्तर देता हूं। उस केस का जो मुझे हल्का हल्का ध्यान है क्योंकि पुरानी बात हो गई, उसका जो वीडियो भी आया था सार्वजनिक रूप से यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, उसमें भी वो मामला नशे से जुड़ी कुछ शिकायतों को लेकर, और उस मामले पर जब मंत्री महोदय ने कहा कि ये रुक नहीं रहा रुक नहीं रहा, तो जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं, संगीता कालिया की बात है, वो अपना बचाव कर रही थी, एंड दैट वाज द वे शी वाज डिफेंडिंग हरसेल्फ। वो मंत्री जी को लगा कि वो सही नहीं है, तो उन्होंने उसको कहा कि ये ठीक नहीं है, आप मुझे ओखा बोलेंगे, उनसे कड़वा बोलेंगे, सरकार पर ही सवाल, मर्यादा तोड़ेंगी, सरकार पर सवाल उठाएंगी, तो ऐसे अधिकारी को मौके पर जो उचित लगेगा वो करने का अधिकार, वो करने का अधिकार है उनको। चौहान साहब पूर्व जस्टिस हैं कार्जू जी, उन्होंने ये कहा था कि जो व्यवहार था उस समय अनिल विज साहब का, वो एक गुंडे की तरह था। मैं ये कहूंगा जस्टिस काटजू उस मौके पर नहीं थे, वो उनको सारे तथ्यों की जानकारी नहीं है। और दूसरा जस्टिस काटजू ज्योति सुनिए तो सही, जस्टिस काटजू को पूरी कहानी मालूम होती तो शायद ये नहीं कहते, और जस्टिस काटजू के पास सारे फाइनल डिसीजन के लिए है। आज भी कहा गया एसडीओ को लेकर कि इसे बाहर निकालो, क्या तरीके में थोड़ा मुझे बताएं। एक अधिकारी साहब आप बोलिए सर, आएंगे जब ये तय कर दिया, जब ये कह दिया आई पुट यू अंडर सस्पेंशन, जब ऑर्डर हो गया और उसके बाद भी कोई जिद करे, देन द फाइनल थिंग इज उनको बाहर किया जाना होता है। मैं सिर्फ तरीके को लेकर सवाल खड़े कर रही हूँ कि इसे बाहर निकालो, गेट आउट कहा गया संगीता कालिया की वक्त में, कहा गया था अभी कहा गया इसे बाहर निकालो, क्या तरीके में थोड़ा बदलाव हो सकता है पॉजिटिवली? धिंगरा साहब आपको देखिए बात ये है, वही बात मैं कह रहा था, जो एसडीओ गुहार कर रहा है कि मेरे को सुनना तो चाहिए, क्यों आ रहे एसडीओ? आप बीच में मत बोले ना, बस आप सुनिए ना, इतना तरस सुनिए, सुनने का कष्ट करें, मैं सुन रहा हूँ। जब एसडीओ गुहार कर रहा है कि मेरे को एक बार सुन ले पहले, उसके बाद करें जो करना है, सुनना नहीं चाहते। अगर संगीता कालिया, अगर कोई कष्ट निवारण में अगर एसपी लेवल की जो ऑफिसर है वो अगर कोई बात रखना चाहती हैं, तो विच साहब सुनना नहीं चाहते। खूब सुना उन्होंने, सुनिए अभी बाद में बता दो ना, आप सुनना नहीं चाहते। अगर 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 आप दूसरे तरीके से ले, प्रकाश चंद कमेटी में इतने लोग सस्पेंशन के लिए, प्रकाश चंद कमेटी में रिपोर्ट में लिखा गया, उनको सस्पेंड नहीं करते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, ये भी निगरानी आचरण है। आप ये देखिए पंचकुला के अंदर जो हुआ, जो राम रहीम के टाइम पे जो हुआ, हाई कोर्ट ने ये कहा कि डीजीपी और होम सेक्रेटरी का कसूर है और इसमें होम मिनिस्ट्री का भी कसूर है। कैथल चले, एक एक डीसीपी को उसको बलि का बकरा बनाया जाता है। आ जाएं। आप ये देखिए उसको बलि का बकरा बनाया जाता है, कैथल नहीं आएंगे हम, आपका साढ़े तीन साल का रिकॉर्ड ही पेश कर रहे हैं जो जनता देख रही है आपको। फैक्ट्स पर आ जाइए, आप फैक्ट्स यही है, आप जनता को जिंदा घूमना चाहते हैं, दो साल के बाद चलते हैं, दो साल के बाद जनता साहब की बात करें, कैथल नहीं है, क्या तरीका आपको ठीक लगा, मंत्री जी का तरीका आपको ठीक लगा? कैथल के मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता दोषी अधिकारियों का साथ दे रहे हैं, सभी अधिकारी आपकी बात पूरी हो चुकी है, प्रथम दृष्टया प्रमाण है कि उनके पक्षधर बने हुए हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं, इतना अंतर है हम में और आप, इतना अंतर है हम में और आप, कैसी जनता के साथ खड़े हैं आप? समय पूरा हुआ आपका, आप बोलिए। सार्वजनिक जीवन में शुचिता और जो अच्छा व्यवहार जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है, कोई सरकार की तरफ से कोई एहसान नहीं होता है। आपको ढंग से बर्ताव करना पड़ेगा, अधिकारियों के साथ सम्मान करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उन्हें अपने प्रभाव में लेना पड़ेगा, उन्हें विश्वास दिलाना होगा सरकार आपके साथ भी खड़ी है, यदि आप गलत करेंगे सरकार आपके खिलाफ भी खड़ी है, दोनों चीजों की एक बैलेंसिंग जरूरी होती है, यही कारण है कि सरकार बनाने की आवश्यकता पड़ती है। लोकतंत्र में सरकार की आवश्यकता ही इसलिए पड़ती है कि जनता और जो अधिकारी है बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन और पीपल के बीच में रहना चाहिए, इसके लिए ही हम सरकार चुनते हैं। उस कोऑर्डिनेशन के लिए यदि आप किसी भी जगह पे हावी रहेंगे तो स्पष्ट रूप से एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित होता है और इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करती हैं इनको का अधिकारियों को। महिला अधिकारी यदि कोई भी दोष कर लेती, उनके पास में मंत्री के पास में कोई भी अधिकार नहीं था इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने का। मंत्री चार साल के बाद में अपने घर बैठने वाला है, वो फिर भी आईपीएस ऑफिसर। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, वो फिर भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें पता होना चाहिए सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार के नाम से कार्यक्रम चलता था चौटाला साहब के राज में, जो ढूल साहब ने उसका जिक्र किया, मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूँ। सांपला में दो
पीड़ित महिलाएं जिनके पति गुम थे, लापता थे, वो मुख्यमंत्री के सामने आना चाहती थी। पुलिस या अधिकारियों को ये डर था कि ये मुख्यमंत्री के सामने गई, हमारी खिंचाई होगी। ये साधारणतः अधिकारियों का बर्ताव होता है। तो उनको गुमराह करके सारा दिन जहां मुख्यमंत्री जाते उनको कहीं और भेज देते। आखिर में ये स्थिति हो गई कि वो मुख्यमंत्री की गाड़ी के सामने बेचारी आ गई, लेकिन अधिकारियों का रवैया ये था कि उनको धक्के मार करके पीछे किया गया। एक महिला की गोद में छोटा सा बच्चा था, वो मुख्यमंत्री की कार के बोनट पे लुढ़क गया, मां गस खा के गिर गई। ये होता है अधिकारियों का रवैया। ऐसे समय पर अधिकारियों को दंडित करना, अधिकारियों को सबक सिखाना आवश्यक होता है। और वही किया जा रहा है, वही किया जा रहा है। ये तो घटी हुई घटना है, रिपोर्टेड है मीडिया में, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक ये मामला गया। अच्छा, आप अधिकारियों ने, आप इस चीज का संज्ञान लेते हैं हर टाइम। मैं देखिए, जहां अनुभवहीनता आपकी, अरे अनुभवहीन तो आप हैं, मैं तो प्रत्यक्ष की कमी है, प्रत्यक्ष देखी हुई घटना से कर रहा हूं। तो डॉक्टर नशे की हालत में आती है, मरीजों का उपचार किया जाता है, 5 दिन के बाद सस्पेंड की जाती है। अभी भी वो डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात है, फिर सस्पेंड किए जाने के क्या मायने हैं? और उस मामले में इतनी देरी क्यों की गई फिर सस्पेंड करने में? देखिए, सस्पेंशन पर होते हुए वो ड्यूटी पर है, ड्यूरिंग सस्पेंशन भी जो अधिकारी या कर्मचारी होता है उसका कहीं हेडक्वार्टर निर्धारित होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उपचार कर रही है, हमारे पास खबर आज ये आई है कि सस्पेंड किए जाने के आदेश अभी तक पहुंचाए नहीं गए। सवाल समय को लेकर है कि सस्पेंड की गई 5 दिन में, क्या वो मामला गंभीर नहीं था? नशे की हालत में डॉक्टर उपचार करते हैं मरीजों का, क्या वो गंभीर नहीं है? अभी सस्पेंड किए जाने के बाद भी उसी तरह से अपनी ड्यूटी कर रखी है, क्या उसमें बड़े एक्शन की जरूरत नहीं? फिर मैं कहता हूँ, वो घटना जिसका वीडियो मैंने भी स्वयं सोशल जी। उससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति हो नहीं सकती। वो जो चिकित्सक है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जो भी सर्विस रूल्स के तहत बनती है वो निश्चित रूप से होगी। सस्पेंशन ऑर्डर नहीं पहुंचा है इस बारे में, क्योंकि मेरे पास ये जानकारी तो होगी। अरे सुन लो ना, बीच में क्यों बोलते हो, क्यों आपको क्यों तरस आ रहा है उन पे भाई? ये डॉक्टर सवाल है, सुन लो भाई, सुन लो सवाल, सुन लो। इस डॉक्टर के सस्पेंशन के निर्देश जारी हो चुके हैं, इसके बावजूद भी अगर मैं आपकी रिपोर्ट को सही मानूं, और सही होगी, मैं ये कहता हूं, अगर वो ड्यूटी पर है तो उसके खिलाफ नियमानुसार और कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। आपने कहा कि ऐसे भी नियम है, वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि उस डॉक्टर की जरूरत है? मुझे पूरा नहीं करने दिया, मुझे नशे की हालत में उपचार करते हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए, पूरी बात करने नहीं दी आपने। मैं यही कह रहा हूँ कि इवन ड्यूरिंग सस्पेंशन, कर्मचारी सस्पेंशन का अर्थ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस नहीं है। ड्यूरिंग सस्पेंशन भी हर कर्मचारी का कोई एक हेडक्वार्टर निर्धारित होता है जहां पर उसको रिपोर्ट करना होता है, और उससे काम वाम कुछ लिया नहीं जाता साधारणतया, और उसको आधा वेतन तब भी मिलता है, सस्टेनेंस अलाउंस उसको प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर, लेकिन ऐसी चिकित्सक वो अस्पताल में ड्यूटी करे, मैं नहीं समझता कि ये होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका संज्ञान सरकार निश्चित राजीव जी और उसको 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 इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन ये कांग्रेसी बचाओ में क्यों है गलत कर्मचारियों अधिकारियों की, ये जरूर ज्योति जिनसे पूछ लीजिए। एक मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से डायरेक्ट बता रहा हूँ, जीन ग्रीवियंस कमेटी का इनका कृष्ण बेदी जी इनके चेयरमैन हुआ करते, वहां पर क्या था कि उनकी कमेटी में, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर जनता के द्वारा शिकायत की गई कि जो पब्लिक हेल्थ के एक्सियन है नरवाना के, वो जनता का फोन अटेंड नहीं करते। मंत्री के सामने पब्लिक हेल्थ के एक्सियन ये कहते हैं कि मेरी मर्जी, मेरा फोन मैं अटेंड करूं या मैं ना करूं, उसके बावजूद भी 2 साल हो गए, आज तक वो एक्सियन काम कर रहे। ये है इनकी काम करने की स्पीड, फोन को मेरी मर्जी, मैं अटेंड करूं ना करूं, ये मंत्री के सामने कह करके जाता है एक एक्सियन। और उसके किस लिए सरकारी फोन दिया जाता है? सरकारी फोन किस लिए होता है अधिकारी के पास, ये चौहान साहब बता देने। फोन को लेकर अगर उसने इस तरह की बात कही तो निश्चित रूप से जो भी नियम बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात के लिए सस्पेंड नहीं किया या वो ड्यूटी कर रहा है, इस पर तो चिंता है कि उसने फोन सुनने के मामले में ये कह दिया। और एक बच्चे की मौत हो गई गर्भस्थ शिशु की जन्म लेने से पहले, उसमें जांच के बाद सस्पेंड कर दिया। कुछ मित्र स्टूडियो में बैठकर उन कर्मचारियों पर तरस खा रहे हैं। ये कहां विपक्ष खड़ा कहां है? ना इधर जीने देंगे ना उधर जीने देंगे साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम जनता के साथ खड़े हैं, हम साहब जनता के साथ खड़े हैं, जनता के पक्ष में खड़े हैं। आपसे भी अनुरोध यही करते हैं, कम कम एंड ज्वाइन अस विद जिनके लोग जनता नहीं थे, पब्लिक की तरफ आ जाइए।
पब्लिक की तरफ आई है, हम पब्लिक के साथ खड़े हैं, आप भी पब्लिक के साथ आए। देखिए, चाहे कृष्ण बेदी वाला मामला हो, आपने फोन का वो भी सुना होगा, चाहे जींद वाला मामला हो जो भी ढोल साहब ने जिक्र किया, चाहे फतेहाबाद वाला मामला हो जिसमें वो गेट आउट कर रहे हैं, चाहे करणदेव कंबोज वाला मामला हो, आपके दोहरे रवैये जो हैं वो अनुभवहीनता दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है, इसीलिए ये काम हो रहा है। आप कभी तो इस तरफ खड़े हो जाते हैं, कभी आप उस तरफ खड़े हो जाते हैं, अपना बचाव करने में तो आप लग रहे हैं, अच्छी बात है, बचाव करना चाहिए आपको, एक शब्द आप, लेकिन आप कभी कहते हैं कि जो हम सस्पेंड कर देते हैं एक मिनट में, कभी आप कहते हैं हम नहीं करते उसको, कहीं कभी हम आपके दोहरा रवैया जो है, कर दे तो भी रोएंगे, अरे आप ना करें तो भी चिल्लाएंगे। है जिसको समझने की जरूरत है जवान साहब, देखिए कहना जो इनका है वो ये है कि आपको जो पसंद आता है, जो आपकी सुविधा के हिसाब से आपको सूट करता है, आपके मंत्रियों को अच्छा लगता है, सरकार को अच्छा लगता है, वो डिसाइड करके फैसला सुना दिया जाता है, और जो ठीक नहीं लगता नहीं होता है। ऐसा नहीं है, जब भी कोई मामला किसी अधिकारी या कर्मचारी की चूक का सतह पर आता है तो उसकी केस की मेरिट्स का की पड़ताल करके, जांच करके जो नियमानुसार एक्शन बनता है वो किया जाता है। मैं कांग्रेस के मित्र से केवल इतनी बात कहूंगा कि बार बार एक कह रहे हो अनुभवहीन सरकार है, मेरा आप पर साहब ये आरोप है कि आप मुद्दा विहीन विपक्ष हैं, आपके पास मसले नहीं हैं, सवाल नहीं हैं, और आपके पास आपकी पॉलिटिकल दुकान में क्योंकि सामान नहीं रहा, इसलिए आप ऐसी आशास्पद बातें करते हैं, आप दोषी कर्मचारियों के पक्षधर होकर के खड़े होने से इनकार करते हैं, मंत्री जी के सामने कहते हैं नहीं उठाएंगे, उनका फोन है, उनकी मर्जी है, क्या ये आपको कम गंभीर लगी बात? दो साल बाद गलत बात है, मैंने बचाव नहीं किया जी, निश्चित रूप से विभागीय कुछ न कुछ उनसे सवाल जवाब पड़ताल हुई होगी, लेकिन हमने कभी उसका बचाव नहीं किया। ये तो सामने दंडित हुए और जिनके खिलाफ एविडेंस है उनका स्टूडियो में बचाव कर रहे हैं, हम किसी दुष्ट का बचाव नहीं करेंगे, हम किसी गलत आदमी के पक्ष में क्या कार्रवाई की आपने बताएंगे इसमें, हम किसी गलत जींद वाले मामले में क्या कार्रवाई की श्रीमान धिंगड़ा के खिलाफ, मित्रवर धिंगड़ा जी, किसी दुष्ट और कोताही क्या कार्रवाई की आपके मुख से, चलिए राजनीति के पास चलते हैं, किसी दुष्ट और कोताही हम किसी भी दुष्ट और कोताही बरतने वाले व्यक्ति या कर्मचारी के पक्ष में नहीं है, हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ हैं। राजू जी आपके पास आना चाहेंगे, जैसा कि विपक्ष भी कह रहे हैं, ढिंगरा साहब भी कह रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं पब्लिसिटी के लिए होता है, दिखावटी के लिए होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, सस्पेंड करने की बात तो बहुत दूर की बात। मेरा स्पष्ट मानना है, देखिए इस तरह की चीज़ें जो हैं अब जो हो रही है एक ही फॉर्मेलिटी के रूप में हो रही है, बिगर जो हमारा कंसर्न है वो है कि अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स नहीं करते हैं, हम ईमानदारी से एक्ट नहीं करते हैं, और इस वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, और ये जो फॉर्मेलिटी वाली अप्रोच है वो देखिए कोई किसी भी की सरकार हो, ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार होंगी, कल INLD की सरकार हो, ये पॉलिटिकल लीडरशिप कोई भी हो, बाय एंड लार्ज यही स्थिति रहती है। कुछ अगर हम एक्सेप्शन हमारे पास होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि तुरंत एक्ट करते हैं, अदरवाइज कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई एक लगातार हमारे पास ऐसे इंस्टेंसेस नहीं है। विज साहब की अगर हम बात करें तो इतने हेल्थ डिपार्टमेंट की स्थिति दयनीय है, तो कितने लोगों के इन्होंने सस्पेंड किया, आप किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाइए, तो एक ये थोड़ा सा इससे ज्यादा कुछ इनकरेजमेंट नहीं मिलता। जो कि चौहान साहब ने पूछा भी कि सस्पेंड कर देते हैं तो भी आपको परेशानी है, सस्पेंड ना करें तो भी आपको दिक्कत है, बहुत छोटा जवाब। नहीं देखिए, ये पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है जिस पे ये सरकार काम कर रही है उसी के ऊपर बात हो रही है कि आप किसी को तो दो मिनट में सस्पेंड कर दो उसको बगैर सुने, और किसी आदमी को आप बिल्कुल इस तरह से छोड़ देते हैं कि इसको तो छोड़ देना, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दो। इतने अधिकारी जिनके मामले में जो MP जो कुरुक्षेत्र के रहे हैं, और जिस मामले में आपका 10 सेकंड, कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र है। जब हम ये कहते थे कि फलाना घोटाला हुआ इनके राज में, फलानी जमीन हड़प गई कांग्रेस की सरकार, तो ये कहते थे जांच कराओ। जब हमने सरकार में आने के बाद जांच शुरू की तो इन्होंने ठीक जैसे आज धिंगड़ा जी बेचारे हो रहे हैं उसी तरह उस समय चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये तो राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है, तो हर हाल में रोना है, यही इनका अंदाज बन गया है।
चले समय नहीं आगे चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। तो मंत्री जी के रवैये को लेकर, उनके तेवर को लेकर, उनके पुराने अंदाज को लेकर चर्चा की कि कितना सही है और कितना सीखने की जरूरत है बाकी मंत्री। और बेशक विपक्ष ये कहता हूं कि दिखावटी ये सस्पेंड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर तो जरूर उन अधिकारियों में भी होगा जो इस तरह से ऐसे कारनामे करते हैं जो जनता को परेशान। बिल्कुल, बड़ी बात में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।